हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये सॉक्स बनाना, यानी इसको मैंने बना लिया है इसका मेज़रमेंट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक अलग तरीके का फ्लावर बनाना बताऊंगी। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया हुआ है इस पे, मतलब मैंने ये दोनों एक जैसा फ्लावर बनाया है, इस सॉक्स में लगाया है। बट यहाँ पर देखिए, मैं अलग फ्लावर बनाना बताऊँगी। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई में ये ऊन को इंसर्ट कर लिया है। येलो कलर का ऊल आप कोई सा भी यहाँ पे, या तो रानी कलर का ही लगाया जो ये कलर का बना है। तो हमने यहाँ पे सेंटर में हमने फ्लावर रखना है। तो इसको देखिए, हम ऐसे ऊन को ले आए और देखिए इसको जस्ट इसी के, देखिए फ्रेंड्स, जस्ट इसी के किनारे से हम निकालेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम सुई पे 15 राउंड हम लगाना है। ऐसे हमने 15 बार हमने इस पे देखिए, ऐसे जैसे फ्रेंड्स हमने ये बनाना बताया था आप लोग को, ब्लाउज पे कढ़ाई की थी, सेम यहाँ पे ऐसे ही फ्लावर बनेगा, लेकिन ये बहुत डिफरेंट तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 15-16 बार रैप कर लिया है। आपने लपेट लेना है 15-16 बार। अब देखिए, इसको हम ऐसे खींच देंगे। ऐसे खींचने के बाद ये देखिए, हमारा कुछ ऐसे बनकर आएगा। और हमने अब सुई को वहीं पे देखिए सेंटर में निकाल लेना है, सेंटर से करके फिर वहीं पे, ये देखिए ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे कर लिया है। अब हमने यहीं से जस्ट इसी के सामने ऐसे देखिए सुई में ऐसे निकाल के फिर इस पर भी हम 15-16 राउंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 पेटल बना लिए हैं, एक हमने और बनाना है। अब देखिए, आपने ऐसे यहीं से इंसर्ट करके और जस्ट यहाँ पे हमने बनाना है। तो यहाँ से ऐसे हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पे भी हमने देखिए ऐसे 20-25 राउंड या 15, आपने जितना छोटा बड़ा फ्लावर रखना है फ्रेंड्स, उस हिसाब से आप बनाइए। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप कोई सा भी सिंपल सा भी सॉक्स बना के अगर आपने ऐसे 3-4 कलर के डिजाइन से फ्रेंड्स इसको आप मेंशन कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा लुक आएगा। एकदम इजी भी है, सारे बिगनर्स के लिए। देखिए, जिसको बिल्कुल भी नीटिंग करने नहीं आता है, वो सिंपल से नीटिंग करके और ये फ्लावर बना के लगा सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स, ये फ्लावर अगर आपके पास, वो तो मैंने फ्लावर लूम से बनाया था, बट ये तो सिंपल फ्लावर है, तो आप लोग इसको ईजली बना सकते हैं। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे और सेंटर में आपने कोई सा भी स्टोन लगा देना है, या कोई मोती हो फ्रेंड आपके पास बची हो तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसे ही फ्रेंड्स कढ़ाई करके कोई सा भी शेप दे सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप बटरफ्लाई का भी शेप दे सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है इस सॉक्स पे। और ये सॉक्स फ्रेंड्स मैंने देखिए, जो छोटे छोटे हमारे टुकड़े होते हैं उसके मैंने बचे हुए की बनाए। देखिए, बचे हुए जो हमारे कई सारे, जो हम नीटिंग करते हैं तो हमारे ऊन काफ़ी सारे छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का इतना छोटा टुकड़ा है, तो हम सोचते हैं किसी डिज़ाइन में काम नहीं आएगा और हम उसे फेंक देते हैं। बट देखिए यहाँ पर कितना प्यारा और कलरफुल ये सॉक्स बनकर आया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ये फ्लावर भी आप लोग को बनाना बताया है, क्योंकि ये फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्लावर लूम से बने हैं तो सबके पास नहीं होता है। और ये तो आप ईज़िली, आप या तो आप देखिए, मैंने यहाँ पे ये छोटा फ्लावर्स बनाया है, आप चाहें तो इसको बड़ा, ये यहाँ पे 30-30 राउंड करके फिर आप ऐसे ऐसे बना लें। अब यहाँ पे हमने बीच में एक स्टोन लगा देना। जैसे देखिए, यहाँ पे मोती लगी है, तो यहाँ पे भी आप वाइट या कोई सा कलर लगा दें। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे फेदर के ऊन से ये चारों तरफ इसको क्रोसिया से किया है, और ये तो बिल्कुल सिंपल है।
इस पे भी देखिए मैंने ये कलरफुल वूल से बनाया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ आपको डिफरेंट दिखेगा, यहाँ पे देखिए मैंने सेम ये पंजे और अंगूठे का बनाया है, बट यहाँ पे मैंने ये दो कलर में बनाया है। देखिए एक साइड अलग कलर है, एक साइड अलग कलर है, तो ये भी एक अलग लुक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स समझ लीजिए हमारे ये तीन डिज़ाइन के सॉक्स बने हुए हैं। डिज़ाइन आपने एक ही मेंशन करना है, बट उस पर आपने माइंड लगा के देखिए, कुछ अलग तरीके से करके बना के देखिए, ये हमारा एक ही जैसा तीन डिज़ाइन तैयार है। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।